तो जैसा कि हमने नर्वस सिस्टम को स्टार्ट किया है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल और कैरेनियल नर्व्स पे। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जूलॉजी विद आमना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को देखें तो स्पाइनल कॉर्ड जो है ऑफकोर्स ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पता बेसिकली दो आते हैं पार्ट्स, एक दो ब्रेन और दूसरा हमारे पास है स्पाइनल कॉर्ड। तब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये क्या है कि ये ब्रेन से नीचे जो है एक्सटेंड करता है। यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हेड रीजन है, तो हेड रीजन के अंदर अगर ब्रेन है तो इसने ब्रेन के नीचे से यहाँ से इसने एक्सटेंड करना है स्पाइनल कॉर्ड ने, और नीचे हमारे पास ये या तो टेल के, अगर तो ऑर्गेनिज्म की टेल है तो या तो ये टेल तक चला जाएगा या फिर ये टेल से ऊपर यहाँ तक जो है ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसमें देखें तो इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमारे पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आ जाता है, ठीक हो गया, जिसको हम CSF का भी नाम देते हैं। ऑफकोर्स ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये हमारे पास इसका काम क्या है, इसका काम है स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो उसको फ्लेक्सिबिलिटी देना। अब आगे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर दो पोर्शंस हमें नज़र आते हैं, ग्रे मैटर और दूसरा हमारे पास है वाइट मैटर। अब ग्रे मैटर जो है इसमें इस तरह की सेल बॉडीज और डेंड्राइट्स आ जाते हैं जो कि आगे रिफ्लेक्स कनेक्शंस एट वेरियस लेवल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स कनेक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन हमारे पास एक किसी भी सिचुएशन का प्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स है लेकिन इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक किसी भी हॉट चीज़ को जो है वो अचानक से टच किया तो क्या करेंगे, हम फौरन से अपने हाथ को जो है वो उससे दूर करेंगे, ठीक हो गया। अब हमें पता है अगर हमने किसी भी गर्म चीज़ को छुआ है तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है हम उससे अपने हाथ को दूर लेके जाएंगे, यानी ये प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स है। लेकिन ये इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है, इनवॉलेंट्री का मतलब कि हम कुछ सोच के नहीं उस चीज़ से हाथ दूर करें, ठीक हो गया, यानी वो खुद ब खुद ही बॉडी जो है वो उस चीज़ से दूर कर रही है। तो यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन इस तरह का हमारे पास एक्शन है जो कि प्रिडिक्टेबल भी है लेकिन वो इनवॉलेंट्री है। तो ग्रे मैटर के अंदर इस तरह की सेल बॉडीज और डेंड्राइट्स आती है जिन्होंने क्या किया, रिफ्लेक्स कनेक्शंस को जो है वो परफॉर्म करना होता है। आगे स्पाइनल नर्व्स जो हैं ये हमारे पास एक्सटेंड करती हैं। ऑफकोर्स स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलेंगे उनको हम स्पाइनल नर्व्स का नाम देंगे, या डोर्सल और वेंट्रल रूट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड तक जो है वो आगे एक्सटेंड करती हैं। जैसे हमने पहला पोर्शन पढ़ा ग्रे मैटर, तो दूसरा पोर्शन हमारे पास वाइट मैटर। अब वाइट मैटर में क्या है, इसमें माइलिनेटेड एक्सोन्स आ जाते हैं। माइलिनेटेड एक्सोन्स का मतलब कि इस तरह के एक्सोन्स जिनके ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट है, तो इसी वाइटिश माइलिन की वजह से ही इस पोर्शन को वाइट मैटर का नाम दिया गया है। अब आगे अगर हम स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस को देखें तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो टू मेन फंक्शन जो है ये परफॉर्म करता है। एक तो ये ब्रेन और मोस्ट ऑफ द बॉडी के दरमियान कनेक्टिंग लिंक का काम करता है, यानी इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, और दूसरा रिफ्लेक्स एक्शंस के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक हो गया। जैसे हम रिफ्लेक्स एक्शन को देख चुके हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, और दूसरा क्या है कि ऑफकोर्स जो स्पाइनल कॉर्ड है यानी क्योंकि ये लिंक का काम करता है ब्रेन और बाकी बॉडी के दरमियान, तो इसका मतलब है ज़्यादातर जो हमारे पास जो लिम मूवमेंट है यानी जो टांगों की हरकत है, ठीक हो गया, चाहे ये वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री, ऑफकोर्स ये इसी लिंक के ऊपर डिपेंड करती है। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर डिपेंड करिए, यानी स्पाइनल कॉर्ड अगर ये लिंक ना हो तो कैसे भी हमारी टांगें मूव करें, ठीक हो गया। तो लिम मूवमेंट जो है ये इस लिंक के ऊपर डिपेंड करेगी। आगे अगर स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन की थोड़ी सी बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पास थ्री लेयर्स आ जाती हैं, यानी थ्री लेयर्स ऑफ मेनिंजेस है जो कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। अब इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ कंटिन्यूस है, यानी ब्रेन के ऊपर भी यही तीन लेयर जो हैं ये प्रेजेंट होती हैं। अब सबसे फर्स्ट या आउटर लेयर हमारे पास है ड्यूरा मैटर। अब ये टफ फाइबरस मेम्ब्रेन है, ठीक हो गया। इसके अंदर मिडल लेयर हमारे पास है एरेक्नॉइड। अब एरेक्नॉइड क्या है, ये हमारे पास डेलिकेट इन नेचर है यानी काफ़ी ज़्यादा नरम है, ठीक हो गया। यानी डेलिकेट का वैसे मतलब होता है कि यानी जो इजीली जो है ये रिप हो सके, यानी इजीली जो है ये टियर हो सकती है। और एरेक्नॉइड जो है ये इनर लेयर यानी पायामेट्रिक के साथ जो है ये कनेक्टेड होती है। अब पायामेट्रिक क्या है, ऑफकोर्स इसके अंदर जो है ये स्मॉल ब्लड वेसल जो है ये प्रेजेंट होती है, ये इनर मोस्ट लेयर है और इसका काम क्या है, स्पाइनल कॉर्ड को नरिश करना।
तो जैसे हमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम स्पाइनल कॉर्ड को देख भी सकते हैं, लैम्प्रे में सबसे सिंपल वाला हमें स्पाइनल कॉर्ड नज़र आएगा, जिसमें जिसका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एक सिर्फ और सिर्फ ग्रे मैटर पे कंसिस्ट है, यानी कि वाइट मैटर इसके अंदर नहीं है। और न्यूरल क्लाल केनाल जो कि ऑफकोर्स एम्ब्रियो के केस में ही ओपन होती है, ये अडल्ट के केस में क्लोज हो चुकी है। नेक्स्ट अगर हम शार्क को देखें तो शार्क में हमें नज़र आएगा कि स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो है ये एक शीथ भी प्रेजेंट है जो कि इसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। इसके अलावा हमें ग्रे मैटर नज़र आ रहा है, तो ग्रे मैटर के जो डोर्सल साइड है ये हमारे पास डोर्सल हॉर्न है ग्रे मैटर का, इसी तरह ये हमारे पास है वेंट्रल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर, और शार्क के केस में हमें वाइट मैटर भी नज़र आता है, यानी शार्क के केस में स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो माइलिनेटेड एक्सोन्स हैं वो भी प्रेजेंट हैं। पर यह न्यूरल कैनाल ऑफकोर्स ये क्लोज हो चुकी है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियो के अंदर ही ओपन होती है, और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के दौरान ही ये क्लोज हो जाती है। इसके बाद अगर हम एम्फीबियंस को देखें तो एम्फीबियंस के ऊपर फिर से कोई शीथ प्रेजेंट जो है वो नहीं है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, वाइट मैटर भी इसके अंदर है और ग्रे मैटर भी है, और इसी तरह ग्रे मैटर के दोनों पोर्शन दिखाए गए हैं, वेंट्रल पोर्शन भी और डोर्सल पोर्शन भी, और न्यूरल कैनाल ऑफकोर्स क्लोज है। रेप्टाइल्स और बर्ड्स और मैमल्स में देखें तो इसमें आपको नज़र आएगा कि एक बटरफ्लाई अपेयरेंस है, ठीक हो गया। तो ये स्पाइनल कॉर्ड की यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स है कि रेप्टाइल्स बर्ड्स और मैमल्स में इसके खास बटरफ्लाई की शेप जो है ये आ जाती है। तो इसमें भी पोर्शन जो है ये सेम है, डोर्सल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर है, इसके अलावा वेंट्रल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर है और वाइट मैटर है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पाइनल और कैरेनियल नर्व्स को। तो स्पाइनल नर्व जो है सबसे पहले अगर इनको हम डिस्कस करें तो स्पाइनल नर्व्स में क्या है कि ये हर ऑर्गेनिज्म के जो है या बॉडी के अंदर डिफरेंट होती हैं, ऑर्गेनिज्म नहीं भाई स्पीशीज़ आप बोल रहे हैं कि हर स्पीशीज़ के बॉडी के अंदर डिफरेंट होती हैं, यानी कि जितने सेगमेंट्स हैं टेल या ट्रंक के अंदर उतने ही मतलब ज़्यादा होंगे, यानी अगर तो टेल और ट्रंक के अंदर काफ़ी सारे सेगमेंट्स ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर तो इसका मतलब है उसकी बॉडी में स्पाइनल नर्व्स ज़्यादा हैं, लेकिन अगर सेगमेंट्स कम है तो इसका मतलब है स्पाइनल नर्व्स कम हैं, ठीक हो गया। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्रॉग को देखें तो फ्रॉग में हमें पता है एक तो इसका जो ट्रंक पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा कम है, रिड्यूस्ड है, और टेल इसके अंदर है नहीं, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 स्पाइनल नर्व्स हैं ये प्रेजेंट होती हैं, और ऑफकोर्स ये पेयर्स की फॉर्म में होती हैं, यानी 10 पेयर्स हैं। इसके अलावा अगर हम स्नेक को देखें तो स्नेक ने हमें पता है लेटरल अंडुलेशंस ऑफ द बॉडी से हम इसने मूव करना होता है, ठीक हो गया। तो इसी वजह से इसकी बॉडी के अंदर सेवरल हंड्रेड स्पाइनल नर्व्स हैं ये प्रेजेंट हैं। रिप्टाइल्स बर्ड्स और मैमल्स को देखें तो इनके अंदर जो है ये 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स प्रेजेंट है। अब जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगे उनको हम स्पाइनल नर्व्स कहेंगे, और जो ब्रेन से निकल रही है उनको हम क्रैनियल नर्व्स कहेंगे। तो रिप्टाइल्स बर्ड्स और मैमल्स के केस में 12 पेयर्स है क्रैनियल नर्व्स के, और फिशेज और एम्फीबियंस के केस में सिर्फ फर्स्ट 10 पेयर्स ही प्रेजेंट हैं। अब क्रैनियल नर्व्स में हमारे पास दो तरह की नर्व्स आ जाती हैं, एक तो इस तरह की नर्व्स हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ सेंसरी एक्सोन्स होते हैं, लेकिन दूसरी हमारे पास इस तरह के नर्व्स हैं जिनमें सेंसरी और मोटर दोनों तरह के एक्सोन्स होते हैं, इसी वजह से फिर हम इनको मिक्स्ड नर्व्स का भी नाम देते हैं। अब मिक्स्ड नर्व में हमारे पास एक एग्जांपल है वेगस नर्व की, जो कि मिक्स्ड नर्व है। अब वेगस नर्व में जो सेंसरी एक्सोन्स हैं ये ब्रेन तक लीड कर रहे हैं, और दूसरे हमारे पास जो मोटर एक्सोन्स है ये हार्ट और स्मूथ मसल्स ऑफ द विसरल ऑर्गन्स तक जो है ये रीच कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो, अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन है कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।